नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, न्यूज हिंद में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। दिल्ली में दिवाली की रात जले 50 लाख किलो पटाखे, कई दिनों तक रहेगा प्रदूषण, देखें ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात का नजारा बेहद खौफ भरा रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद भी दिवाली की रात दिल्ली में 50 लाख किलो से ज्यादा पटाखे जलाए गए। जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात 1 बजे के आसपास प्रदूषण के सबसे खतरनाक कण PM2.5 का स्तर कई जगहों पर 2500 तक पहुंच गया, जबकि इसे 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली के बृहस्पतिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया। कुछ ऐसी स्थिति शुक्रवार को भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में 582, दूतावास क्षेत्र में 437 और आरकेपुरम में 343 है, जो बेहद खतरनाक की श्रेणी में है। झारखंड के जामताड़ा में पूर्व पति ने पत्नी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, देखेंगे रिपोर्ट। झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महिला के साथ उसके पूर्व पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर दुष्कर्म किया और महिला के गुप्तांग में लकड़ी का डंडा डाल दिया, जिसके बाद तड़प कर उसकी मौत हो गई। क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक SDPO BN सिंह ने बताया कि घटना जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर में हुई। उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने कार्यवाही की और आरोपी पूर्व पति उदय को गिरफ्तार कर लिया तथा अपराध में शामिल उसके साथियों की तलाश करी रही है। सिंह ने बताया कि महिला पापिया में आयोजित काली पूजा के अवसर पर आयोजित संथाली यात्रा देखने के लिए गई हुई थी, जहां उसका पूर्व पति भी आया हुआ था। अपने दोस्तों के साथ जबरन पत्नी को उठाकर समीप के खेत में ले गया, जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मानव तस्कर प्रभा मुनि का पति रोहित मुनि बिहार के कहलगांव से गिरफ्तार, देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाकर झारखंड की बेटियों के सौदे के आरोप में रोहित मुनि पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सिमडेगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोहित मुनि को बिहार के बांका से गिरफ्तार किया है। सिमडेगा व गुमला के अलग अलग थानों में दर्ज कांड में झारखंड पुलिस को रोहित मुनि की तलाश थी। रोहित मुनि अपनी पत्नी प्रभा मुनि के साथ मिलकर दिल्ली के पंजाबी बाग प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था। प्रभा मुनि को सितंबर महीने में दिल्ली ATS ने गिरफ्तार किया था। प्रभा मुनि के बाद सिमडेगा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। वर्तमान में वह सिमडेगा मंडल कारा में बंद है। रोहित मुनि को गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड पुलिस उसे रांची ला रही है। रांची के बाद उसे सिमडेगा लाया जाएगा। नहीं खुला पैराशूट, 11,500 फीट की ऊंचाई से गिरा जवान, हुई मौत, देखेंगे रिपोर्ट। मलपुरा के गांवरी स्थित पेरा जंपिंग जोन में गुरुवार दोपहर लगभग 11,500 फुट की ऊंचाई से गिरने पर पेरा बाइग्रेड के जवान हरदीप सिंह की मौत हो गई। उनका पैराशूट नहीं खुला था, वह हेलीकॉप्टर से सीधा जमीन पर आकर गिरे और लहूलुहान हो गए। सेना के जवान उन्हें सैन्य अस्पताल ले गए, वहां उपचार के दौरान हरदीप ने दम तोड़ दिया। हरदीप सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे। दोपहर को साथियों के साथ पैरा चुपिंग के लिए ड्रॉपिंग जोन पर पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में सवार हुए एक एक करके पैराशूट के साथ कूद रहे थे, तभी हरदीप सिंह ने छलांग लगाई। उनका पैराशूट नहीं खुला। पैराशूट के साथ एक इमरजेंसी पैराशूट भी होता है, दुर्भाग्य से वो भी नहीं खुला। 13 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, रेलवे ने खोले 8 तत्काल काउंटर, देखेंगे रिपोर्ट। दिवाली के बाद छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और घर से दूर लोग अपने अपने शहर जाने लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इस समय यात्रा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और ट्रेन बसों में सीटें कम। हालांकि उत्तर रेलवे ने छठ पूजा के लिए बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले के लिए कई इंतजाम किए हैं। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि यात्रियों को अपने घर जाने में कोई मुश्किल ना हो। रेलवे का अनुमान है कि छठ पूजा के लिए दिल्ली में और आसपास के इलाकों से लाखों यात्री पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बस के अलावा रेल सेवाओं का सहारा लेते हैं। अपनी तैयारियों के बारे में उत्तर प्रदेश के CPRO दीपक कुमार ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने छठ पूजा के मद्देनजर 90 रेलगाड़ियां अलग से चलाने का निर्णय लिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रही न्यूज हिंद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।